नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप फोर की जो वेस्ट पोस्ट है, मतलब सबसे अच्छी पोस्ट जो है वो कही जाए तो कौन सी है, ये काफी कमेंट जो है वो मुझे देखने को मिल रहे हैं, काफी जो है वो व्हाट्सएप मैसेज देखने को मिल रहे हैं कि सर इसमें सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है। अब देखिए, इसमें सब में क्वालिफिकेशन जो है वो अलग अलग हिसाब से मांगी है। किसी में ट्वेल्थ मांगा गया है, तो किसी में आपको सीपीसीटी मांगा गया है, किसी में आपको कंप्यूटर डिप्लोमा हो गया, सीपीसीटी हो गया, और किसी में हिंदी इंग्लिश दोनों मांगा गया है, और बाकी कुछ स्टेनोटाइपिस्ट की हो गई, ठीक है ना। ये सब पोस्टें जो है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। अब देखिए, सबसे अलग अलग जो है वो आपको कार्य देखने को मिलते हैं इसमें, पहली बात तो, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर जो पोस्टें हैं, यहाँ पर ये सारी पोस्टें आप देख रहे हो, ये मैं आपको यहाँ पर इनके बारे में बताने वाला हूँ कि ये सब सब क्या क्या चीजें। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें वर्ग थ्री सहायक ग्रेड थ्री की, जिसमें आपको ये सारी पोस्टें जो देख रहे हो, ये कार्यालय सहायक हो गए, डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर हो गए, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक कोडिंग, रिकॉर्डिंग, म्यूजियम कीपर हो गए, ठीक है ना। तो इन सब में अगर देखा जाए, सबसे अच्छी पोस्ट अगर मैं कहूँगा तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की होती है या फिर सहायक ग्रेड थ्री, और जो जो कंप्यूटर ऑपरेटर होगा, इनकी पोस्ट जो है वो मोस्टली जो है वो सबसे अच्छी देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब देखिए, ये सब काम आपको ऐसा नहीं है कि फील्ड वर्क हो, इनमें आपको जो है वो ऑफिशियल वर्क रहते हैं। तो वैसे मेरे हिसाब से देखा जाए तो सभी पोस्टें अच्छी रहती हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि इसमें जो है वो ये वाली पोस्ट अच्छी होगी या ये वाली पोस्ट अच्छी होगी। भाई, सहायक ग्रेड थ्री हो गया, तो सहायक ग्रेड थ्री जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं मोस्टली, जैसे आपने जो नगर निगम वाले हो गए, तो वहाँ पर जो आपने देखे होंगे बैठे, कोई आधार कार्ड करेक्शन, कोई समग्र आईडी बनाने वाला, तो ये जो है वो सहायक ग्रेड थ्री के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर भी कहीं पर आपको वहीं पर देखने को मिल जाएंगे। तो इनका काम जो है वो सब अलग अलग होता है, कहीं पर ज्यादा वर्कलोड होता है तो कहीं पर कम होता है। अब ये नगर निगम के तहत आती है, आपको पता हो, और इसमें आप जो पोस्टर देखोगे अच्छी अच्छी जगह पर देखने को मिलती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जहाँ पर आप देखिए, अब ये वाली जो आप पोस्ट देख रहे हो, इसमें ये बल्लभ भवन भोपाल वगैरह यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हो, ये विभागों के अंतर्गत जो है वो आपको पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है ना। तो अलग अलग जिले के अलग अलग हिसाब से आपको यहाँ पर पोस्टें देखने को मिलेंगी। ऑलमोस्ट जो है वो ये अच्छी पोस्ट है, आप ऐसा नहीं समझ सकते कि कोई भी गलत हो, ठीक है ना। अब इसमें जो ट्वेल्थ पास की पोस्ट हो गई, ये तो सब आप देखोगे कि सीपीसीटी वगैरह, कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है ना, और ट्वेल्थ मांगा गया है, तो ये पोस्ट है। तो इनमें आप सोचो, मोस्टली जो लड़कियां होती है उनके लिए सबसे अच्छी जॉब कहूंगा, जैसे पटवारी में आपको क्या रहता है, फील्ड वर्क रहता है, पर इसमें आपको ऐसा फील्ड वर्क देखने को नहीं मिलता है। आपको एक ऑफिस दे दिया जाता है, ठीक है ना, वहीं पर आपको काम करना रहता है, आपकी ड्यूटी जो है वो सेम रहती है। लेकिन पटवारी में क्या है, फील्ड वर्क रहता है, आपको पटवारी का कहीं ऑफिस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो पटवारी के आप देखोगे ग्रेड पे भी ज्यादा है। बाकी यहाँ पर जो लेखपाल की है वो भी निकाली गई है ना, ये आप देख रहे हो लेखपाल, ठीक है ना। इसमें जो आप देखोगे 16 पोस्टें निकाली गई हैं, तो ये भी उसी के अंतर्गत देखने को, जो पटवारी का काम रहता है वही ऑलमोस्ट जो है वो इसका काम रहता है। बाकी डिपेंड करता है कि इसकी ड्यूटी जो है वो कहाँ पर लगती है, ठीक है ना। सहायक राजस्व निरीक्षक की बात की जाए, तो ये जो आप देख रहे हो इसमें 12th बेस पर मांगा गया है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट जो है वो। तो इसमें आप देखोगे 81 पोस्ट है टोटल मिला के, नहीं तो इसमें आपको जो पटवारी हो गया और ARI हो गया, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर जैसे बोलते हैं हम, ठीक है ना, तो उनका काम जो है वो सेम ही रहता है। ये दोनों मान के चलो कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों ही साथ में रहते हैं, ये मान के चलिए आप, ठीक है ना। तो क्योंकि जो आप कभी भी प्रमाण पत्र कुछ भी अगर बनवाते हो, जैसे जारी प्रमाण पत्र बनाते हो, तो पटवारी के भी स्थान होते हैं वहाँ पर, ARI के भी स्थान होते हैं, है ना। तो ये आप देख रहे हो, ये आप समझते हो कि पटवारी हो गया, लेखपाल या सहायक निरीक्षक हो गया, तो ये दोनों ही काम फील्ड वर्क रहते हैं, इनमें आपको ऑफिस देखने को मोस्टली नहीं देखने को मिलता, ठीक है ना। अब जैसे कि प्लम्बर की बात की जाए, तो भाई प्लम्बर में आप देखोगे सिर्फ एक पोस्ट निकली है, ठीक है ना, प्लम्बर की एक पोस्ट निकली है, और क्वालिफिकेशन भी इसमें जो है वो प्लम्बर में आपने डिप्लोमा वगैरह किया हो, तो वो आपको देखने को मिलती है। प्लम्बर के क्या काम होते हैं, जैसे कहीं आपकी मान लो भोपाल में ड्यूटी लगी है, और आपको जो सरकारी नल रहते हैं उनको क्या करना रहता है, खोलना बंद करना रहता है, कि भाई एक टाइम पर खोल दिया, एक टाइम बाद जो है वो बंद करना रहता है, कहीं पाइप वगैरह फूट गया हो तो उसे देखना रहता है, ये सब चीजें जो है वो इसके काम रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि डेली कुछ ना कुछ बिगड़ रहा हो, तो ये भी आप अच्छे समझ सकते हो, ऐसा नहीं है, पोस्ट एक ही निकाली गई है यहाँ पर। बाकी के आप देखोगे सहायक फोटो अधिकारी हो गए, फोटो कला शिक्षक हो गए, छायांत्रिक हो गए, और सिनेमेटोग्राफी हो गए, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये भी बहुत ही शानदार अच्छी जॉब है, ठीक है ना। अपने हिसाब से सभी पोस्टें बहुत अच्छी है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इनमें से कोई भी खराब जो है वो पोस्ट है। अब ऐसे कनिष्ठ सहायक हो गए, ठीक है, ग्राम उद्योग अधिकारी हो गए, ठीक है ना, तो इसमें भी जो है वो आप पोस्ट देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से
फील्ड वर्क की जो पोस्ट है नहीं है वो बेस्ट है, आपको ऑफिस मिलेगा अच्छे से, आप तैयारी वहाँ पर किसी और की एग्जाम की भी कर सकते हो, काम नहीं होता है। बाकी के ऐसा रहता है कि जैसे पटवारी का हो गया, ARI का हो गया, इनका फील्ड वर्क रहता है तो आप थोड़े अलग ही पूरा वहाँ पर आपको टाइम बिताना रहता है, आपको गर्मी हो या सर्दी हो या कहीं भी हो तो आपको वहाँ पर फील्ड वर्क ही करना रहता है, ठीक है ना। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, आपको नगर निगम में ड्यूटी मिलेगी तो वहाँ पर आपको सीधा एक जो है वो ऑफिस मिलता है, केबिन मिलता है और आपको वहाँ पर जो है वो काम करना रहता है, ठीक है ना। अब जैसे जो लेबर इंस्पेक्टर रहते हैं तो उसमें आपने देखा वो लेबर इंस्पेक्टर को एक ऑफिस मिलता है ना, ऑफिस मिलता है और उसके साथ में ही वहाँ पर जो है वो जो सहायक ग्रेड 3 होते हैं तो वहाँ पर भी उनकी ड्यूटी रहती है, तो उनको भी एक केबिन दिया जाता है, तो पूरा जो है वो काम लिखना टाइपिंग वगैरह ये सब इसीलिए तो मांगा जाता है क्योंकि उनका काम ही है पूरा ये सब करना। तो मेरे हिसाब से तो कोई पोस्ट ऐसा नहीं है कि जो खराब हो, सब अच्छी है। आज के ज़माने में एक बात हमेशा याद रखो, सब अच्छी पोस्ट है, एक अच्छे से ले लो। अगर आपके पास और इससे बेहतर ऑप्शन है तो आप उसकी तरफ मूव कर जाओ, है ना। बाकी जो है अच्छी पोस्ट है, ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी पोस्ट खराब हो। तो आप ये दिमाग से आप अपना निकाल दो और अच्छे से तैयारी करो इस एग्जाम की। बाकी की क्लासेस जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी पटवारी की जो मैथ्स की क्लासेस हैं वो आप देखते रहिए, ठीक है ना, उनसे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। अलग से ऐसा कुछ नहीं है जो पटवारी का हो और ग्रुप 4 का हो, भाई पटवारी में सिर्फ कुछ चीज़ें हटा दो, जैसे कि मैनेजमेंट हो गया वो हटा दो आप, भाई बाकी तो सब सेम ही है ना, आप समझ रहे हो, है ना। बाकी तो सब सेम ही है, सिलेबस कंप्लीट आपने प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर मैंने कराए हुए हैं तो वो आपने देखे होंगे, ठीक है ना। तो वो आप देख लीजिएगा और अपनी तैयारी में लग जाइए क्योंकि आपका जुलाई में जो है वो एग्जाम होना है, ओके। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, जो भी मोस्टली जो है वो आप देखोगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोस्टें जो है वो आप देखोगे यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 और ये सब डेटा एंट्री ऑपरेटर इन सब की हैं। उसके बाद जो आप देखोगे जो हिंदी शीघ्र लेखन वगैरह स्टेनोग्राफर की है उनकी 649 पोस्ट, ठीक है, ओके। बाकी के अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा 8959402738 है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी अपडेट आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो डोंट वरी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी तैयारी से फोकस कीजिए, बाकी जो होगा अच्छा होगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपकी जो भी अपडेट होती है आपको सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगी।